सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल गूगली फ्रेंड को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल गूगली फ्रेंड में। मैं हूं आपका सुफी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से आप अपनी यूट्यूब वीडियो के लिए एक प्रोफेशनल और अट्रैक्टिव थंबनेल कैसे बनाएं। वाकई जब आप एक नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हैं और आप यूट्यूब पर नए होते हैं तो आपको लगता है कि हम एक वीडियो क्रिएट करें, अपलोड करें और ऐसे ही कोई भी थंबनेल लगा दें और हमारी वीडियो कोई देख लेगा। ऐसा नहीं होता है। अगर आप अपनी वीडियो के लिए कोई भी एक प्रोफेशनल थंबनेल या फिर प्रोफेशनल क्रिएटिविटी करके आप थंबनेल लगाते हैं, कोई भी व्यूअर जब आपकी वीडियो से पास ऑन होता है, अगर आपका थंबनेल अट्रैक्टिव है तो आपकी वीडियो को जरूर देखा। फिर चाहे आपकी वीडियो में कुछ कंटेंट खास हो या आपको उसको वीडियो पसंद आया ना आए, पर अगर आपका थंबनेल अट्रैक्टिव हो तो आपकी वीडियो देखे बगैर वो आगे पास ऑन नहीं होगा। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरह से आप अपने यूट्यूब वीडियो के लिए प्रोफेशनल थंबनेल, अट्रैक्टिव थंबनेल कैसे बनाएंगे। अगर आप अपकमिंग स्मार्टफोन के रिव्यूज दे रहे हैं तो उस वीडियो से रिलेटेड कैसे बनाएंगे। अगर आप टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियोज बना रहे हैं या फिर किसी भी वीडियो बना रहे हैं उससे रिलेटेड आप थंबनेल कैसे बनाएंगे, हर यूट्यूबर्स स्टार्टअप यूट्यूबर्स के लिए काफी जरूरी होता है कि वो अपनी वीडियो के लिए क्रिएटिविटी और एक अट्रैक्टिव थंबनेल कैसे बनाए। अगर हमारी यूट्यूब वीडियो की कुछ स्टार्टिंग वीडियो आप देखेंगे, हमने स्मार्टफोन अपकमिंग स्मार्टफोन की वीडियोस बनाई थी और उसके लिए एक थंबनेल क्रिएट किया है और काफी अट्रैक्टिव है। तो आज मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा किस तरह से आप अपने यूट्यूब वीडियो के लिए प्रोफेशनल थंबनेल क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब वीडियो का सबसे मेन पार्ट अगर होता है तो थंबनेल। चलिए दिखाते हैं आपको किस तरह से करते हैं। प्रोफेशनल थंबनेल बनाने के लिए आपको दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है। पहला, बैकग्राउंड इरेजर, जिसका आप यूज़ करके किसी भी फोटो, किसी भी लोगो या किसी भी मोबाइल के पिक्चर्स को ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको ये बताया था और डिस्क्रिप्शन में इस बैकग्राउंड इरेजर की वीडियोज़ लिंक दे रखा है, वहाँ से आप जाकर उसको देख सकते हैं कि किस तरह से हम फोटो, लोगो या किसी स्मार्टफोन के पिक्चर को ट्रांसपेरेंट कैसे बनाएंगे। दूसरा, आपके पास होना चाहिए पिक्सआर्ट, पिक्सआर्ट से जिससे आप क्रिएटिविटी करेंगे अपने थंबनेल की। तो सबसे पहले मैं ओपन करता हूँ बैकग्राउंड इरेजर, जो हमें फोटोज़ चाहिए। आपको थंबनेल बनाने से पहले अपने वीडियो के कंटेंट को चूज़ करेंगे, किस तरह से आपने क्या बनाया। अगर आपने मोबाइल के बारे में बनाया है तो आपको डिसाइड करना होगा किस तरह से आप अपनी फ़ोटो क्लिक करेंगे, उस स्टाइल में आप फ़ोटो क्लिक कर लीजिए। उसके बाद किस मोबाइल के बारे में बताया है आपने, उस स्मार्टफोन की पिक्चर डाउनलोड कर लीजिए और हो सके तो उस कंपनी का एक लोगो होगा उसको भी डाउनलोड करके आप ट्रांसपेरेंट कर लीजिए। तो मैं सबसे पहले बनाता हूँ, आज मैं बनाऊँगा कि किसी स्मार्टफोन के बारे में, जैसे कि अगर मैं बात करूँ हुआवे के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ, तो आप किस तरह से उसको बनाएंगे। अब आप ओपन करिए पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को, जहाँ से आपको क्रिएटिविटी करनी है। आप अपने फ़ोन्स में बैकग्राउंड में कोई भी वॉलपेपर लगा सकते हैं जो आप डाउनलोड कर लीजिए। अदरवाइज़ आप यहाँ पे जाके नीचे बैकग्राउंड आप चूज़ कर सकते हैं, किस तरह का बैकग्राउंड आपको चाहिए। तो मैं वाइट कलर का चूज़ करता हूँ। और चूज़ करने के बाद अब आपको अपने यूट्यूब वीडियो के लिए थंबनेल क्रिएट करना है, तो साइज़ भी मैटर करता है। तो यहाँ पर टूल्स दिख रहा है, टूल्स पर आप जाइए। टूल्स पर जाने के बाद सबसे ऊपर क्रॉप पर जाने के बाद सबसे लास्ट ऑप्शन में दिख रहा होगा यूट्यूब का, ये साइज आपके यूट्यूब थंबनेल के लिए परफेक्ट है। तो यहाँ पे चूज़ करेंगे और चूज़ करने के बाद कर देंगे डन। डन करने के बाद अब हमें अपनी ट्रांसपेरेंट फ़ोटोज़ को यहाँ पर लानी है। तो आप यहाँ पर स्लाइड देखेंगे, ऐड फोटो का ऑप्शन आ रहा है, ऐड फोटो पे जाके हमें करना है अपनी स्मार्टफोन को
अपनी फ़ोटो को और इस ब्रांड की फ़ोटो को जो हमने ट्रांसपेरेंट बना रखा है वो हम यहाँ पर ला कर रख देंगे। उसके बाद इसको साइड रखते हैं, अपनी फ़ोटो को लेंथ में बढ़ाते हैं इस तरीके से, और अब करते हैं स्मार्टफोन को इसके भी करीब, जब ये लगेगा कि आप किसके ऊपर हाथ पर रखे हुए, तो आप अपनी फ़ोटो को टच करेंगे तो आप यहाँ पर साइज को रिसाइज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है फ़ोटो ज़्यादा मेरे हमसे बड़ी हो रही है या फिर आपके साइज़ से, तो आप इसे छोटा रिसाइज कर सकते हैं। हमने इसे रिसाइज कर दिया। अब आपको करना इस स्मार्टफोन के लोगोज़ को भी यहाँ पे ब्रांडिंग देनी है, तो इस तरह से आप इसे ब्रांडिंग दे सकते हैं। देने के बाद आप बैकग्राउंड कोई सा भी कलर दे दीजिए, नो इशू, जो भी आपको पसंद है। तो ध्यान रहे आपकी फ़ोटो आगे होनी चाहिए, तो इस तरह से आप क्रिएटिविटी दे सकते हैं। प्लस अगर आपको इसके अलावा कुछ ऐसा टाइप टेक्स्ट लिखना है तो आप यहाँ पे चूज़ करिए, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप टेक्स्ट दे सकते हैं, कॉल आउट दे सकते हैं, लेंस फ्लेयर दे सकते हैं, स्टिकर्स लगा सकते हैं, और भी फोटो ऐड करना हो तो आप इस तरीके से आप कर सकते हैं अपनी फ़ोटो में। तो ये डन हो गया। कोई भी क्रिएटिविटी करना, कुछ भी लिखना, आप इस तरह से दे सकते हैं और काफ़ी प्रोफेशनल लगेगा कि वाकई आपकी थंबनेल अट्रैक्टिव है। हम इसको डन कर देते हैं, और डन करने के बाद इसको हम जाते हैं सेव के ऑप्शन पर, और यहाँ पर गैलरी में हम सेव कर देते हैं। अब मैं आपको इसका प्रीव्यू दिखाता हूँ कि किस तरह से ये बना हुआ है। तो आपने देखा किस तरह से हम किसी भी वीडियो के लिए एक अट्रैक्टिव और प्रोफेशनल थंबनेल कैसे बना सकते हैं। और अगर आप YouTube पर नए हैं और आपने YouTube स्टार्ट किया है, तो कोशिश करिए अपने वीडियो के लिए एक अट्रैक्टिव, काफ़ी क्रिएटिविटी करिए अपने थंबनेल के लिए, ताकि जब भी आपकी वीडियो अपलोड हो और आपकी वीडियो के पास से कोई व्यूअर पास आना होता है, तो आपकी थंबनेल अट्रैक्टिव थंबनेल को देख के आपकी वीडियो को जरूर देखें।